देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करना है यहां पर हमें 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट के लिए क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर भी हमें अगर ध्यान से देखें क्लियरली दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यहां देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब x की जगह अगर हम sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा sin 3 थीटा का। तो यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है और वो आपको कैसे समझ आएंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो जरूर समझ आ जाएंगे। तो राइट हैंड साइड यहां पर लीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और हमने यहां लेट कर लिया या फिर आप पुट कर सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, लास्ट में हम थीटा की जगह क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, यहां से थीटा निकल के आएगा साइन इनवर्स x। तो रख दीजिए इसमें जहां आपको x दिख रहा है उसकी जगह हमने रखा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हम यहां लिख देंगे सिंस वी नो दैट sin 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दिख रहा है आपको ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर हमने ये अप्लाई कर दिया तो इसकी जगह हम फार्मूला रखेंगे तो ये बन जाएगा sin 3 थीटा। अब प्रॉपर्टी होती है कि sin इनवर्स sin थीटा अगर है, यहां से आपको थीटा मिलेगा, थीटा जो है प्रिंसिपल इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा थीटा, थीटा मींस मिलेगा 3 थीटा, और थीटा की जगह लास्ट में हम क्या रख देंगे, थीटा की जगह रखेंगे हम sin इनवर्स x, जो कि LHS था हमारा, तो हम RHS लेके सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और आ गया है LHS, हेंस प्रूव। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका प्रूव, नोट कर लीजिए इसे। अगेन हमने क्वेश्चन सेकंड लिया, यहां पर भी हमें प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो हमें फिर से फार्मूला याद होना चाहिए cos 3 थीटा का, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए इसको, cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है 4x क्यूब माइनस 3x, अगर हम x की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम बन सकता है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x की जगह पर cos थीटा, तो लास्ट में थीटा की जगह क्या आएगा cos इनवर्स x। फर्स्ट सबसे पहला काम आपका होना चाहिए यहाँ पर RHS लेंगे आप, राइट हैंड साइड लेंगे 4x क्यूब माइनस 3x, और उसके बाद ये स्टेप लिखना है आपको, ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम साइड पे लिख देंगे सिंस वी नो दैट cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पर रख देंगे, यहां रख दीजिए आप cos 3 थीटा, इसकी जगह रखा हमने cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या आएगा यहां से 3 थीटा, और लास्ट में थीटा की जगह क्या रखेंगे हम cos इनवर्स x, तो ये आ गया 3 cos इनवर्स x। तो RHS को लेके हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और LHS हमें मिल गया, तो ये हो गया क्वेश्चन प्रूफ, बढ़िया से इसको समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 ले रहे हैं, यहां भी हमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, बट इसमें आपको RHS सॉल्व, RHS को लेके सॉल्व नहीं करना है, LHS से ही स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए हमने LHS लिया, फर्स्ट टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ली
upon 1 minus 2 by 11 into 7 by 24. अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो LCM लीजिए. LCM यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पूरा लिख ले रहे हैं. 11 into 24, 24 का इधर मल्टीप्लाई होगा और 11 को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो कर दीजिए भाई मल्टीप्लाई. 2 into 24 plus 7 into 11 upon, यहाँ पर भी LCM ले रहे हैं हम, तो यहाँ भी पूरा का पूरा आ जाएगा. 11 into 24, 1 के upon 1 है तो पूरा मल्टीप्लाई होगा. 11 into 24 minus 2 into 7 यहाँ पर इधर बचेगा. अब इससे सॉल्व करते हैं आगे. 10 इनवर्स मल्टीप्लाई करिए 48 प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24, और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 24 इंटू 11 करिए तो ये कितना आएगा, 24 और 24 यानी कि 264. तो 264 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24. क्लियर है यहां तक? 11 से 11 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल. 10 इनवर्स प्लस करिए भाई 48 और 77 को प्लस करिए तो ये आएगा 125, और 264 से माइनस करेंगे 14 तो यहाँ पर आ रहा है 250. तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 125 का 2 टाइम्स जो है होता है 250, तो ये कैंसिल हो जाएगा. फाइनली क्या बचेगा, 10 इनवर्स 1/2. वेल एचएस लेके हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को सॉल्व करना और RHS आ गया, hence proof, question proof हो गया. Question 4 देख रहे हैं हम, यहाँ पर भी proof करना आपको. 210 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 7 equal to 10 inverse 31 by 17. तो यहाँ पर भी हम 10 inverse की identity लगा देते, but problem यहाँ रही कि यहाँ 210 inverse 1 by 2 है, तो ये 2 की problem आ रही है. तो देखिए सबसे पहले तो हमने LHS दिया 210 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 7. अब यहाँ 10 inverse x plus 10 inverse y की identity नहीं लग पा रही है due to ये जो 2 दिख रहा है उसकी वजह से. तो हम क्या करेंगे, हमें ध्यान आया कि भाई 210 inverse x का भी तो formula होता है. 210 inverse x होता है 10 inverse 2x upon 1 minus x square. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 210 इनवर्स 1 बाय 2 की जगह पर, तो ये अप्लाई कर दीजिए. 2 यहाँ पर नहीं रहेगा, 10 इनवर्स 2 x की जगह है 1 बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो यहां तक पहुंच गए हम. प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7 को भी ऐसा कैसा लेके चलेंगे हम. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय 4, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7. इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए तो ये बचेगा 4 बाय 3 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 7. इसको सॉल्व कर लिया हमने एलसीएम लेकर के. अब यहां पर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की प्रॉपर्टी. क्या होती है भाई 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की प्रॉपर्टी? 10 इनवर्स, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर आपको प्लस रखना है फॉर्मूले में, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो ये प्रॉपर्टी है, ये अप्लाई कर दीजिए इसमें. तो 10 इनवर्स x की जगह कितना है 4/3, तो x की जगह रखेंगे 4/3, y की जगह पर 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 1/7. तो इसमें रख दीजिए वैल्यूज और थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना आ गया 21. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21. ये 21 से 21 कैंसिल और आप प्लस करिए इसको, तो ये आ गया 31 और अपॉन आ गया 17. तो हम एलएचएस लेके चले थे और फाइनली आरएचएस हमें मिल गया, हेंस प्रूफ. और क्वेश्चंस बढ़िया समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत आए जरूर बताएं. क्वेश्चन 7 लिया हमने, यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि इसको आप और ज्यादा से ज्यादा जो है कितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपको यहाँ पर इसको करना है सॉल्व. फर्स्ट आप लेट कर लीजिए, लेट वाई इक्वल टू 10 इनवर्स के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन
वन प्लस कॉस एक्स, तो हमने इसको लेट कर लिया वाई। आपको फॉर्मूले अगर याद हो तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, एंड वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट के अंदर वन माइनस कॉस एक्स की जगह रखा हमने टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और वन प्लस कॉस एक्स की जगह रखा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा। तो y यहां पर देखिए टेन इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब आप यहां जो है स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट से हट तो जाएगा भाई, लेकिन मॉड लगेगा यहाँ पर टेन एक्स बाय टू, ऐसा बचेगा। अब यहाँ इन्होंने ये जो दिया है x लेस देन पाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप x जो है यहाँ पर लेस देन पाई में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ x बाय टू है तो ये x बाय टू कितना हो जाएगा लेस देन पाई बाय टू। तो लेस देन पाई बाय टू मतलब यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे टेन एक्स बाय टू। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बाय टू। तो ये मिल गई हमें सिंपलेस्ट फॉर्म या आंसर इस क्वेश्चन का। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पर भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो समझिए क्या करेंगे हम इसमें, y जो है यहाँ पर दे रखा है tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x, हमने इसमें पूरे को cos x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर थीटा के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x, तो cos x से डिवाइड करिए क्या होगा, हमने cos से डिवाइड करा इस पूरे को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थीटा के अंदर जो है यहाँ पर है इसको डिवाइड करा है। यहां देखिए cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 1 माइनस sin अपॉन cos क्या होता है 10x, 1 प्लस 10x। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x है अपॉन में 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x है, तो ये फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 माइनस x का 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ अंदर आ जाएगा टेन पाई बाय फोर माइनस x। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आइडेंटिकल फंक्शन, और आंसर हमें मिल गया पाई बाय फोर माइनस x। तो ये हो गया इसका आंसर, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख रहे हैं, इसको हमने थोड़ा डिले कर दिया था, पहले सेवन एट कर लिए थे फिर फिफ्थ कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, बट क्या सब्स्टिट्यूट करें ये यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे। तो आपको डिफरेंशिएशन के अंदर बताया गया था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि क्या टर्म रहेगी तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो समझिए एक बार फिर आप ध्यान दीजिए, नोट जरूर बना लें, नोट्स यहाँ पर नोट करते चलें। अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर आपको एक्स की जगह रखना होगा ए टेन थीटा। ऐसा क्यों करना रहेगा, क्योंकि जब आप ए रखें ए टेन थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि क्या हो जाएगा सेग स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बन जाएगी ट्रायंगल्स की आइडेंटिटी। तो ये अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ए टेन थीटा, बट अगर यहाँ पर ए की जगह वन आ जाए, वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रूट के अंदर, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे ओनली टेन थीटा रखेंगे, ए रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू तो वन हो गई है। तो ऐसे केस में सीधा सीधा क्या बनेगा रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम क्या रखेंगे सब्स्टिट्यूशन। और अगर यहाँ ए स्क्वायर
रख सकते हैं। तो इसमें आगे चल के क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे फाइनली आगे चल के ये बनता है ए कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई करने में इजी होता है। अगर इसकी जगह ए की जगह 1 आ जाए तो आपको एक्स की जगह क्या रखना है, साइन थीटा रखना है। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स की जगह रखेंगे हम ए सेक थीटा, और यहां आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह आप ओनली सेक थीटा रख दीजिए, ए की जगह 1 है तो। नेक्स्ट अगर 1 प्लस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, तो यहाँ एक्स की जगह रखेंगे हम ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के फॉर्मूले बनते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, जो फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। और ए की जगह 1 हो तो आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह ओनली cos थीटा रख देंगे, क्योंकि a की जगह पर 1 है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस नोट कर लीजिए, और आपको इन में से टर्म्स अगर दिख रही है तो आप उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए, और इनमें देख के मुझे बताइए कि भाई इस क्वेश्चन में आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। x की जगह हम रखेंगे tan थीटा, tan थीटा रखेंगे x की जगह, यहां से देख रहे हैं क्लियरली हमें, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन में यही अकेली टर्म हो, ये टर्म दिख जाए तो हमें रूट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी तो इजी फॉर्म में है, कुछ ना कुछ फॉर्मूले बन ही जाएंगे, पर रूट कैसे हटेगा उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम इसमें, टेन थीटा रखेंगे, तो ये नोट कर लीजिए, और अब हम सब्स्टिट्यूशन रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, यहाँ x की जगह क्या रख रहे हैं, tan थीटा रख रहे हैं, लास्ट में जब हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की तो ये आ जाएगा, थीटा की जगह रख देंगे हम tan इनवर्स x, रखिए y इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी ट्रायंगल की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देखिए थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई हुआ है यहां तक, आगे हम sin cos में चेंज करते रहे, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, tan को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके आगे देखिए LCM लिया न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में चल ही रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बच रहा है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये हमने फॉर्मूला जो है यहां पर अप्लाई किए, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचा है इसमें, न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाय 2, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2। प्रॉपर्टी से tan इनवर्स से tan कैंसिल, और यहां से ओनली टर्म बचेगी थीटा बाय 2, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स x, तो रख दीजिए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन 2, ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आ गया यहां पर आंसर, तो कहीं भी दिक्कत तो नहीं है आपको। एक बार फिर देख लीजिए, हमने सबसे पहले tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, और इस तरीके से स्टेप आराम से सॉल्व की, लास्ट में थीटा बाय 2 बचा, थीटा इज क्या रखें।